हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी कि मैंने उसमें बताया था आपको, मतलब मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो थी हैशटैग सेल्फ केयर, जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे आपकी रेगुलर लाइफ को लेकर, पूरा दिन जो है आपको कैसे यूटिलाइज करना है या किस तरीके से आपको चलाना है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आई हूँ वो सेल्फ केयर से नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा होगा ब्यूटी से रिलेटेड, यानी कि मैं आज बात करूंगी लिप्स के ऊपर, कि क्योंकि अब आ रही है सर्दियां और सर्दियों में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लिप्स फटने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, यानी कि हमारे होंठ जो है बहुत ज्यादा फटे हुए होते हैं या फट जाते हैं, या कहूँ ये सर्दियों में भी होता है। तो प्लस आजकल जो हम लोग मैट लिपस्टिक यूज करते हैं उसमें भी हम लोगों का जो लिप्स है वो चैप्ट हो जाते हैं, यानी कि फटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है और जो हम मैट लिपस्टिक यूज करते हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है, लिपस्टिक तो आप यूज करोगे, चाहे वो मैट हो चाहे ग्लॉसी हो, ना ग्लॉसी हो, बट उसके लिए आपको अपने होठों का भी ध्यान रखना है, यानी कि अपने लिप्स का भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं इसमें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने होठों को आप, यानी कि अपने लिप्स को आप कैसे बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही इजी तरीके से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपके होठों को बहुत ज्यादा फट रहे हैं आपके होठ, तो उसको भी नरिश करने में हेल्प करेगा। साथ के साथ अगर आपके होठ थोड़े से ब्लैक हैं तो वो उसको पिंकिश करने में भी हेल्प करेगा। क्या होता है कि जब हम रेगुलर बेस में लिपस्टिक यूज करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हमारे होठों की जो नेचुरल स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी डल होनी शुरू हो जाती है, या फिर जैसे कि हमारे फेस पे यूवी रेज, हार्म यूवी रेज आती है, उससे हमारी स्किन टैन हो जाती है, ऐसे ही हमारे होठ भी जो है टैन हो जाते हैं, जिससे आपके होठ जो है थोड़े थोड़े डार्क लगने लगते हैं। तो उसको आपको कैसे अपने इजिली तरीके से सिंपल वे में कैसे आपको उसे हील करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप उसे 2-3 मिनट में रेगुलर बेस में यूज करके अपने होठों को, मतलब अपने फटे होठों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके होठों पे टैनिंग हो चुकी है या आपके ऊपर बहुत ज्यादा डार्क हो रही है धीरे धीरे, तो उससे भी आप जो है इन चीजों को यूज करके अपने होठों को अच्छे से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जो आपको मैं बताने जा रही हूँ उसमें से पहला है कि ग्लिसरीन। आपने बहुत टाइम से आप ये वर्ड सुनते आ रहे होंगे और बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। तो ग्लिसरीन जो होता है बेसिकली हम इसे, तो ये नेचुरल मॉइस्चराइज देता है हमें, तो जैसे कि एड़ियां फटने में हम इसको यूज करते हैं या फिर हमारे लिप्स फटने में, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर आपके ड्राई स्किन है तो कहते हैं कि इसको आप किसी भी क्रीम में यूज करके लगा सकते हैं ग्लिसरीन, और ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट में ग्लिसरीन अवेलेबल भी होती है। तो ऐसे ही आपको नेचुरल जो ग्लिसरीन होती है उसे अपने होठों पे 2-3 मिनट के लिए मसाज करते हुए, जैसे आप लिपस्टिक या लिप बाम लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है और उसे अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद उसे छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए, यानी कि पूरी रात आप उसे छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में आप देखेंगे कि आपके होठ जो है बहुत ही सॉफ्ट होंगे और धीरे धीरे पिंकिश होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप इसे रेगुलर बेस में यूज करते हैं तो, ठीक है। और या फिर अगर आप जैसे कोई भी मैट लिपस्टिक लगाते हैं उसके बाद जब उसे आप रिमूव करते हैं लिपस्टिक को, तो उसके बाद भी आप उसे, जैसे आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं वैसे ही आप ग्लिसरीन से भी अपने होठों को जो है मॉइस्चराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। सेकंड है बीटरूट। बीटरूट बहुत इजीली आपको ठंड में, अब जो आ रहा है सीजन, जो बहुत इजीली मिल जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा बीटरूट लेना है, उसको क्रश करके उसका जो जूस होगा उसे आप अपने लिप्स में लगाइए, जिससे कि आपके जो होठ है ब्राइट होंगे थोड़े से, यानी कि पिंकिश होंगे, एंड मॉइस्चराइजर मिलेगा उनको, अभी वो फटे हुए होठों को दूर करेगा, एंड उसके जो जब आप उसे घीस लोगे तो उसके थोड़े थोड़े से जो पील्स होंगे उससे आप जो है स्क्रब भी कर सकते हो अपने होठों को। तो स्क्रब करने से क्या होगा, आपके जितने भी होठ पे डेड स्किन होगी वो आराम से रिमूव हो जाएगी और आपके होठ जो है जो फट रहे होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है मसाज और लिप्स, यानी कि अपने होठों को ज्यादा से ज्यादा मसाज करें, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो वैसलीन हो, चाहे वो कोई भी घी जैसे देसी घी से आप कर सकते हैं, ये है ना, या फिर ग्लिसरीन जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। तो जितना आप अपने होठों को मसाज करेंगे ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होगा, साथ के साथ आपके होठों को ब्राइटनेस भी मिलेगी, ब्राइटनिंग भी होगी आपके होठ। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए अपने होठों को भी मसाज करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं नॉर्मली हम उसे होठों पे यूज नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि शायद वो हमारे मुंह में ना चले जाए। जब भी अगर हम अपने फेस
इस पे कोई भी चीज यूज करते हैं, जिससे कि हमें डर रहता है कि हम स्ट्रिक्टली ये भी बोलते भी हैं कि होठों और आंखों से बचा के इसको यूज करें, बट जितना हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, जितना अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज करते हैं, ऐसे उतना होठों को भी करना चाहिए। तो होठों के लिए नेचुरल चीजें जैसे कि अगर वो आपके मुंह के अंदर जाते हुए तो आपको कोई हार्म, जैसे बीटरूट से आप यूज कर लें और ऑयल से कर लें, तो बट ध्यान रखें कि अंदर नहीं लेना है ना, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ग्लिसरीन भी अगर आपके मुंह में जाएगी जो नेचुरल है और जो ऑर्गेनिक होगी वो आपको हार्म नहीं करेगी, क्योंकि हम ग्लिसरीन अपने होठों में अगर छाई हो जाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो मसाज अपने आलमंड ऑयल से भी कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हैं, और तो इस तरीके से आप अपने होठों को मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो कि है शुगर। शुगर तो हर किसी के घर में इजिली अवेलेबल होगी। अगेन उसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और उसके अंदर मिला लीजिए थोड़ा सा हनी। हनी मिलाने के बाद वो एक आपका स्क्रब बन जाएगा हल्का सा, उसमें कुछ शुगर ना स्क्रब बना लीजिए उसे, और उसको अपने होठों पे एज अ स्क्रब की तरह यूज कीजिए। तो वो रेड स्किन आपको रिमूव करेगा, साथ के साथ आपके होठों को नेचुरल मॉइस्चराइज देगा और अगेन थोड़ा सा ब्राइटनेस की तरफ भी लेके जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने होठों को रेड स्किन रिमूव कर सकते हैं अपने होठों की, और जो अगर आपके होंठ ब्लैक है तो उससे भी आप उसको, जो भी टैनिंग वगैरह आपके होठों की वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे थोड़े से टिप्स जो आप नॉर्मली कभी भी इजीली तरीके से कर सकते हैं घर में बैठ के ही, बिल्कुल भी इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, बहुत इजी है, और इसे आप ट्राई करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। क्योंकि ठंड आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे होंठ जो है बहुत ज्यादा फट जाते हैं, तो हम चाहे कितना भी अच्छा लिप बाम लगा लें या फिर कितनी भी बार लिप बाम लगा लें, बट फिर भी नेचुरल जो चीजें आपको इफेक्ट करेंगी वो ज्यादा अच्छे से होगा, और रेगुलर बेस पे आप इन चीजों का यूज करते रहेंगे तो आपके होंठ जो है वो फटने भी बंद हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर हम मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे तुरंत देख पाए और आप मेरे से कनेक्ट रहें। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।